सामान फुल पैक, डिक्की फुल रेडी। और अभी हम पहुंच चुके पी टाउन, और इधर रास्ते देखो पूरे आड़े टेढ़े घाट वाले रास्ते, मुंबई टू गोवा कर रहे हैं हम। ये ट्रिप में दो स्टेट एग्जिट करके थर्ड स्टेट में पहुंचेंगे, जो कि है एंटरिंग द रूम, एंड यहीं पे स्विमिंग पूल है। हम यहाँ पे एक बीच पे आए, पता नहीं नाम नहीं मालूम, और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ भी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ ट्रैवलिंग वाला रहने वाला है, मुंबई टू गोवा हमें कितना टाइम लगा, हम कहाँ कितना ब्रेक लिए और कब पहुँचे हम गोवा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो ये वाला वीडियो देखना, नहीं तो फिर इसके नेक्स्ट वाला देखना, जो कि हम डायरेक्ट गोवा का घूमने का वीडियो स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आयुष जोशी। तो जिस ट्रिप का बेसब्री से इंतज़ार था मेरे को, जो ट्रिप हम जून में जाने वाले थे जो कि कैंसिल हो गया था, और जो मैंने आपको बताया भी था, तो हम जा रहे हैं गोवा, एंड वो भी दिसंबर के महीने में। तो वेरी एक्साइटेड, एंड सुबह के अभी 4:30 हो रहे हैं, मैं 4 बजे का ही उठ गया था, सब पैकिंग वैकिंग जो बाकी था वो किया और अभी रेडी हो चुका हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे, गाड़ी में सामान डालते, और मेरे भैया भाभी भी आने वाले, तो मुझे कोई चाहिए था जाने के लिए, तो वो लोग आ रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग। मैंने पानी का क्रेट भी पहले ही ले लिया है, क्योंकि रास्ते से एक दो बॉटल लेंगे खुरदुरा, एंड ये सस्ता भी पड़ता है तो अच्छा है, एक ही बार में ले लिया बॉटल। अभी इसको एडजस्ट करते हैं एंड बैग्स को भी एडजस्ट करते। सो इट्स 4:52 इन द मॉर्निंग, एंड सबसे पहले हम भराएंगे पेट्रोल। फर्स्ट स्टॉप पेट्रोल स्टॉप, देन अमित भाई को पिक करेंगे उधर से, पहले फुल टैंक करा लेते, देन उसके बाद बराबर से मालूम पड़ेगा कि कितना पेट्रोल लगा। रिटर्निंग में सेम जगह से पेट्रोल फुल करा लेंगे तो टोटल कंजम्पशन मालूम पड़ जाएगा, और ट्रिप भी जीरो कर देंगे इधर से। देखो तुम्हारा चैनल है ना, भर गया ऊपर तक और 2521 रुपए का है गूगल पे। हाँ तो पेट्रोल भरा चुके हैं, और उधर जो भाई थे वो मेरा चैनल दिखा रहे थे, पीछे लिखा हुआ है ना, तो सर्च करके दिखा रहे थे, मैं बोला सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करा दिया। अभी रास्ते में पकड़ पकड़ के सबको सब्सक्राइब कराएंगे, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। अभी का टारगेट तो फिलहाल वही है, 1000 हो जाएंगे फिर देखा जाएगा। और हमने ट्रिप ज़ीरो कर दिया है, एक मिनट फ्लैश बंद करता हूँ, ट्रिप ज़ीरो कर दिया है। अभी 400 मीटर हुआ चला के, तो भैया को पिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस गोवा वाली जर्नी को। सामान फुल पैक, डिक्की फुल रेडी। चलो अच्छे से शॉर्ट हो गया सामान, अभी चलते हैं अपना गोवा वाला ट्रिप कंटिन्यू करते। A few inches later, and almost 40-45 मिनट चलाने के बाद हम आ गए हैं वाशी टोल पे। अभी मुंबई एग्जिट कर रहे हैं, एंड आधे घंटे बाद हम लोग एक्सप्रेस वे ज्वाइन करेंगे, एंड वी आर फाइनली एंटरिंग एक्सप्रेस वे। अभी फटाफट से जो पहला टोल आएगा उसके बाद फूड कोर्ट है, उधर रुक के नाश्ता करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। नॉट एक्सपेक्टेड बट बहुत जल्दी आ गए हम लोग फूड कोर्ट। अभी यहाँ पार्किंग ढूंढते हैं, इधर ही दिख रहा है एक, गाड़ी स्टॉल हो गया। क्या अमित भाई क्या कर रहे हो, गाड़ी वाड़ी बंद हो रहा है? हाँ तेरी नजर अलग जगह पे, खाने पे है ना अभी ध्यान पूरा।
तो फूड मॉल पहुंच चुके हैं अभी, इधर फ्रेश होते हैं और नाश्ता पहले ऑर्डर पहले फ्रेश हो गया थे। हमारा तो ऑर्डर आ गया। हमने आइस्ड कॉफ़ी ले लिए थोड़ा नींद भगाने के लिए, और यहाँ पे 35 मिनट का जाम दिखा रहा है। सो जाओ, ट्राई कर रहा हूँ अभी ऐसे, अभी 35 मिनट तक ऐसे ही रेंगना पड़ेगा कीड़े जैसे। अभी तक का ये चौथा टोल, पिछला अभी 240 रुपये कटा है। इधर मेरे ख्याल से नहीं कटना चाहिए, 240 पूरा काटा होगा ना इधर से मुंबई से लेके पुणे तक का। अभी मैसेज आ जाएगा अभी 2 मिनट के बाद, नहीं मैसेज आएगा तो मतलब नहीं कटा। ट्रिप अपडेट, हम 4 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए और 170 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, जो कि थोड़ा कम है, मतलब ऑलमोस्ट 200 हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है चलो। और अभी हम पहुंच चुके पी टाउन, पुणे आ गए। अभी ऑलमोस्ट 1/4 ट्रिप हो चुका है और 3/4 बाकी है, देखो कब तक पहुंचते हैं। 7 बजे तक का तो एस्टीमेट है, मेरे को लगता है 8 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए, वो तो पहले से एस्टीमेट करके रखा था एंड टाइम से भी निकले थे हम लोग। ऑलमोस्ट कट टू कट चल रहे हैं टाइम पे, तो मज़ा आ रहा है। अभी तो एक्सप्रेस वे ख़त्म हुआ है, अभी पुणे के सिटी में एंट्री की है जो आउटर रोड है, और यहाँ जाम लग गया ना, 9:45 हो रहा है, ऑफिस जाने का टाइम है, तो सब पब्लिक खड़ी है रोड पे। दिखाता हूँ एक मिनट, सब जॉब जाने वाले लोग बाइक से, बस से, बस स्टॉप पे भी लंबी लंबी लाइन है। तो अभी हम पुणे से आगे निकल चुके हैं और ऑलमोस्ट सातारा पहुँचने वाले, एंड ये हमारा दूसरा ब्रेक है, तो हम यहाँ विट्ठल कामत में रुके, तो विट्ठल कामत अच्छा रहता है इसके लिए इधर रुके, एंड वॉशरूम करके सब आ चुके हैं, वॉशरूम ब्रेक था, और अभी कांच साफ़ करना है क्योंकि ये सब लाइन्स आ रहे हैं, इस पर वाइपर में कचरा फंस गया था। अभी क्लीन करते हैं इसको बराबर से, पानी वानी डाल के, और वाइपर को भी क्लीन कर देते, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते। अभी 235 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब 5 घंटे में ऑलमोस्ट 235 इज़ नाइस, एंड कितना 48 का एवरेज मेंटेन हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो अभी कांच साफ़ करता और आगे बढ़ते हैं। जिसका गाड़ी होता है उसको भी साफ़ करना पड़ता है ना, बाकी सब तो मज़े से बैठे हैं। ऑफ कोर्स बैड, चलाना तो मेरे को ही है। एक दिल है कितनी बार जीतेगा, तो मच्छर मच्छर मार के पूरा अच्छे से टॉप पे थोड़ा। हाँ, अभी हम चल चुके रास्ते पे, और इधर रास्ते देखो, पूरे आड़े टेढ़े घाट वाले रास्ते, मजा आ रहा है। और कितना 245 किलोमीटर डन, अभी कितना बाकी है 362 किलोमीटर। हमारे होटल का सीधा लोकेशन लगा है एंड अराइवल 741 का दिखा रहा है, आगे चल के कम भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। जितने बार रुक रहे उतने बार हम रुक रहे 5 मिनट है, और एस्टिमेटेड आधा आधा घंटा बढ़ जा रहा है। गेम खेल रहा है गूगल मैप, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है नीचे का। बाय फार अपना ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है, स्मूथ जा रहा है, रोड्स बहुत अच्छे मिले। अभी आगे चल के देखते हैं कैसे रोड मिलेगा। अरे खुल जा भाई, अलग डंडा है भाई ये लोग का। बधाई हो, आधा ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, 306 किलोमीटर, अभी 296 बचा हुआ है खाली। अभी तक तो बहुत अच्छे से निकल गया रोड, अभी 7-7.5 घंटा दिखा रहा है, तो मतलब थोड़ा सा रास्ता ख़राब होगा
एंड ये ग्रीन से येलो हो चुका है, मतलब जाम मिलेगा। वापस से जाम मिल चुका है, ये आगे तक पूरा जाम है भाई साहब, इधर जाके खाली हो रहा है। अभी फंसे पड़े हम ट्रैफिक में वापस से। ये अच्छा खासा 658 पे आ गया था अराइवल्स, लेकिन अभी ट्रैफिक, अभी ये और बढ़ेगा, अभी तो ट्रैफिक में एंटर ही किए जस्ट। पानी का बॉटल ले लेते हैं एक और खाने के लिए चलते हैं। पानी का बॉटल ले लिया है गाड़ी में से और अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं, जो कि है साई फास्ट फूड कोर्ट। यहाँ पे प्लेट सिस्टम है सब कुछ और सेल्फ सर्विस है। देखते हैं खाना कैसा है। भैया भाभी अंदर ही है पहले से, अभी चलते हैं खाना खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी हम कोल्हापुर से कुछ 30 किलोमीटर पहले है, 30 की 25 किलोमीटर। क्या ऑर्डर किया? वही तेरे तूने जो बोला, पाव भाजी और कुरमा पूरी लिया है। कुरमा पूरी क्या है? मिक्स वेजिटेबल्स और पूरी के साथ। बस ट्राई यार, और कुछ है नहीं। मैं भी बोला ट्राई करते। पनीर की सब्जी ले लेते। अरे यार पाव नहीं है, बन है। हमने स्पेशल पाव भाजी मंगाया था, उसमें साला 100 ग्राम तो ड्राई फ्रूट्स डाल के दिया। महाराष्ट्र में पाव मिलता है बन दिया है। अरे यार क्या बोलने का, अभी मूड खराब कर दिया। टेस्ट अच्छा है लेकिन ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद भाई। पाव भाजी के साथ तो बिल्कुल नहीं। पूरी सब्जी अच्छा है ना, खा सकते हैं भाई। चलो जी, खा के हो गया है एंड खाना वॉज ओके ओके। तो अभी हमको और किधर रुकना नहीं था, क्योंकि जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा, इसके लिए हमने इधर ही खा लिया। खाना ओके ओके था। अभी हम कुछ है 225 किलोमीटर दूर गोवा से, और कोल्हापुर यहाँ से कुछ ही लगता है 25 किलोमीटर के आसपास है। जल्दी जल्दी खींचते हैं, जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा है। मैं बता दूँ कि हम मुंबई टू गोवा कर रहे हैं, जो कि पुणे, मुंबई टू पुणे, देन पुणे से सातारा, सातारा से कोल्हापुर, एंड बीच में कर्नाटका भी पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा सा बॉर्डर का पार्ट आता है कर्नाटका के अंदर, घुस के हमको गोवा में जाने का है। तो कर्नाटका से होके फिर हम गोवा जाएंगे वापस से, क्योंकि वही रास्ता है और हमने सबसे लॉन्ग रूट चूज़ किया है, क्योंकि वो अच्छा रोड है। दो तीन ड्राइवर से पता किया तो उन्होंने बोला अच्छा रोड है, तो हम वही रोड से जा रहे हैं। आ जाओ भैया बैठो। एंड वी आर फाइनली एग्जिटेड महाराष्ट्र एंड हम कर्नाटका में एंट्री मार रहे हैं। और ये I-20 के साथ फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप है। इतना हम 422 किलोमीटर अभी तक कवर कर चुके हैं, 180 किलोमीटर बाकी है। उसके लिए भी 4.5 घंटा दिखा रहा है। 4 घंटे की नींद में इतना गाड़ी चला रहे भाई। थोड़ा बहुत आ रहा है नींद, लेकिन अभी थोड़ा खींचना पड़ेगा। 8:30 बजे का अराइवल दिखा रहा है। 10 मिनट रुको साला, आधा घंटा पड़ जाता है अराइवल। यहाँ हेलमेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, दीदी नहीं पहनी देखो। कन्नड़ में चालू हो गया बोर्ड लिखा हुआ। कितना है इधर का टोल? कितना है? मेरे को तो नंबर भी भूल गया टोल का। 8वां 7वां 8वां। काका जाओ दिया ना। अरे खुल गया। वेलकम टू कर्नाटका, ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम कर्नाटका। आयुष जोशी का हेलो, निमिषा भी है कर्नाटका में। अभी हमने इधर गाड़ी रुकाई है और थंबनेल ले रहे हैं, क्योंकि थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए तो ही लोग देखेंगे। ऐसा लग रहा है वीडियो, मेरे को लग रहा है थोड़ा बोरिंग हो रहा है। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा तो थोड़ा संभाल लेना, शेयर वेयर कर देना थोड़ा। थोड़ा क्या, सो नींद कम हुई है ना? अपने अपने भाई के लिए कर देना।
थंबनेल थंबनेल देखना, थंबनेल के लिए बहुत मेहनत किया भाई ने, फोटो खींचा। थैंक्स बोलना, थैंक्स। अरे बाल बाल खराब हो रहे, चलो भाई अभी 4 घंटे का रास्ता और है, कवर करते हैं, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से। कर्नाटका एंटर करते ही मस्त रोड एकदम 4 लेन। उधर सातारा के आगे तो भाई डायवर्जन ही डायवर्जन था, बहुत टाइम लग गया उधर से आगे आने में। अभी ये देखो 426 किलोमीटर हो चुका है और 175 किलोमीटर बाकी है, 174। तो अभी हम हाईवे छोड़ चुके हैं और चल चुके हैं अम्बोली घाट के रास्ते पे। और अम्बोली घाट भाई ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, बारिश के टाइम पे तो मज़ा आ जाता है, उधर ढेर सारे वाटरफॉल्स रहते हैं। तो अभी मैं रास्ते में चलते चलते आपको बता देता हूँ कि हम गोवा का आइटिनरी क्या है। तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं, स्टे हमारा है ओजरान बीच करके है कोई, उसके पास में एकदम नॉर्थ गोवा में अच्छा लोकेशन में मिला है और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, फोटोज़ में तो फिलहाल अच्छे ही लग रहे थे, अभी जाके देखेंगे। और कल सुबह जब नींद खुलेगी आराम से उठेंगे एंड नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत। देन सेकेंड डे पे हम साउथ गोवा जाएंगे, सुबह को 8-9 बजे निकल जाएंगे एंड घूम फिर के रात तक आ जाएंगे वापस रिटर्न नॉर्थ गोवा। देन थर्ड डे अगेन नॉर्थ गोवा, वाटर एक्टिविटीज़ ये सब करेंगे अच्छे से। एंड फोर्थ डे पे देखेंगे, अगर कुछ करना रहा तो करेंगे, नहीं तो फिर मुंबई के लिए वापस निकल जाएंगे। तो यही है हमारा आइटिनरी। और अभी हम अम्बोली घाट फर्स्ट टाइम मैं I-20 को इतना लंबा लेके आया हूँ एंड खुद ड्राइव किया हो इतना। तो अभी फ़िलहाल तो थकान कुछ है नहीं, अभी क्या मालूम ये गाड़ी मेरे को कंफर्टेबल हो गई है या XUV में हाइड्रोलिक क्लच और हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील है इसके लिए थक जाता हूँ थोड़ा। तो आपको मालूम रहेगा तो आप बताना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैंने कहा था ना 98% लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया जो वीडियो देखते हैं, ओनली 2% है सब्सक्राइब। तो बाकी लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वेट फॉर दी गोवा व्लॉग्स। अभी तो खाली हम आने जाने का वीडियो बना रहे, लेकिन गोवा में अच्छे से एकदम कंटेंट बनाएंगे, घूमने का जगह दिखाऊंगा मैं आपको एक से एक। अभी आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। गोवा जाने के लिए 2 रूट है, एक ये दिखा रहा है अजारा रूट और एक यहाँ से हम जा रहे थे लेकिन अब रिटर्न आ गए, क्योंकि एक लोकल से पूछा तो वो बोला आप ये 120 किलोमीटर वाले रास्ते से जाओ, बल्कि इसमें हमारा होटल दिखा रहा है 143, तो जो कि वही गोवा के एंट्री में ही 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलते ये रास्ता देखते, अपने को तो कुछ आइडिया है नहीं। और अभी वापस से हम महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा महाराष्ट्र का पार्ट आता है, देन हम वापस से गोवा में एंट्री हो जाएंगे, हमारा थर्ड स्टेट। तो आपने देखा होगा इसके पहले का वीडियो, पूरा जंगल ही जंगल, तो मैं सोचा रुकते और थोड़ा एक्सपीरियंस करते। ये हमारा प्यारा सा गाड़ी और ये पूरा जंगल, जल्दी से फ़ोटो लेंगे और बैठ जाएंगे क्योंकि भाई सेफ नहीं है, जंगल है। और स्टोरीज वोरीज लेते हैं थोड़ा डालते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ डाला नहीं है, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो नीचे। शांति सुनो एक बार, कोई कुछ बोलो मत। What a view! और यहाँ पे घर बन रहा है मस्त। रोड्स अच्छे, कर्वी कर्वी पूरे, इसमें ड्रिफ्ट ले ड्रिफ्ट मार सकते हैं, ड्रिफ्ट कार लेके आके शार्प टर्न्स, लेकिन रोड थोड़े नैरो है,
बट गांव के हिसाब से ठीक है। गव से अम्बोली, सावंतवाड़ी और गोवा, तो हम जाते हैं इधर। अभी हम उतर रहे हैं अम्बोली घाट और अंधेरा हो ही चुका है। जैसे कि मुझे लगा ही था कि अंधेरा हो जाएगा, इसके लिए मैंने मेरे गाड़ी में लाइट लगाया था। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मालूम होगा। अरे भाई लाइट बंद करके करो, फ्लैशलाइट बंद करके। अभी ये देखो, ये मेरा हेडलाइट है खाली, इतना सा, बहुत वीक है। कोई बोलेगा हेडलाइट चालू है, ये बंद किया, हेडलाइट स्टार्ट है, ये इतना है। अब मैं मेरा ऑक्सिलरी लाइट चालू करता हूँ, ये देखो इतना फर्क आ रहा है। कुछ रोड पे दिखेगा ही नहीं अगर मैं ऑक्सिलरी लाइट नहीं चालू करूँगा तो। सो इसके लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया। अभी जल्दी जल्दी से अम्बोली घाट ख़त्म करते और होटल में पहुँचते, क्योंकि रात का समय है तो इसको फटाफट सेफली, क्या बोलते, अरे देखो खड्डे में घुस गई गाड़ी। इसके लिए रात का टाइम है तो सेफली इसको हम क्रॉस कर लेते। गाड़ियां है फिलहाल, सुनसान तो है नहीं, अच्छी बात है। आप तब तक टाइम लैप्स देखो। ये सब फूड स्टॉल है इधर के, मैगी वैगी खाना हो, पकौड़ी खाना हो। विकास दयाल का मैंने वीडियो देखा था यहाँ पे, जो एक्सप्लोर दी अनसीन है, वो फॉर्चुनर लेके आया था बारिश के टाइम पे। बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से विदाउट नेटवर्क है, कुछ नेटवर्क ही नहीं, मैप वैप कुछ नहीं चल रहा। सो फाइनली हम महाराष्ट्र छोड़ के एंटर कर रहे हैं गोवा, और आगे आ गया है गेट गोवा का। एक कारवार लिखा हुआ है ऊपर, आतिफ का गांव है कारवार। सो फाइनली वी आर एट आर गेस्ट हाउस, जिसका नाम है विराम। अभी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये विराम है और ये पूरा गेस्ट हाउस है, जिसमें 10 रूम्स है, जिसमें से हमने 2 लिया है। तो आपको रूम दिखाता हूँ चल के। एंटरिंग द रूम, एंड यहीं पे स्विमिंग पूल है, और ये हमारा बेडरूम, इसमें मैं रहूँगा सिर्फ, और भैया भाभी का इसके पीछे वाला रूम है। तो एसी का रिमोट और टीवी का रिमोट दिया है, एंड ये मेरा दूसरा मोबाइल, बाकी पूरा खाली। टीवी भी नहीं है यार, कॉमन में ही टीवी रखा है। अभी हालत तो फुल ख़राब हो रखी है, इतना नींद आ रहा है, मतलब 4 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, अभी 9:15 हो रहा है। ऐसा लग रहा है चक्कर आके गिर जाऊँगा और सीधा सुबह उठूँगा 12 बजे अगले दिन। बट अभी खाने पीने का भी करना है जुगाड़, तो पीने का नहीं खाने का, भाई पीने का अपने को शौक है नहीं। जो पीने वाले थे वो तो आए नहीं, सब पीछे ही रह गए, सब हाँ हाँ बोल के सब कैंसिल किए। तो अभी खाना खाने का जुगाड़ करते हैं, क्या है अब बताते हैं आपको। तो यहाँ पे पेट्रोल है कुछ 97.9 रुपीज़ के लगभग। मुंबई में ये सब देखने के लिए तरस जाते हैं भाई, 106 रुपये लीटर, हालत ख़राब हो गई। और गाड़ी ने एवरेज भी बहुत अच्छा दिया है, मैं दिखाता हूँ। हमारा टोटल हुआ था 591 किलोमीटर, एंड 16.5 का एवरेज दिया था, मस्त। 13 आवर 40 मिनट्स में हम पहुँच गए थे, रनिंग टाइम था, बाकी खाना पीना सब अलग। सो द फाइनल प्राइस इज 3648.83, एंड पेट्रोल का प्राइस है 97.38।
तो खाना आने का ऑर्डर दे चुके और ये होटल से दिया है अपना पंजाब से, और इनका जनरल स्टोर में शॉपिंग हो रहा है। हम यहाँ पे एक बीच पे आए, पता नहीं नाम नहीं मालूम, और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ भी, लेकिन बहुत अच्छा एम्बियंस है और यहाँ पे शैक्स एंड ऑल सब है। तो अपना तो कुछ आम नहीं है, बाजू में था तो आ गए हम। अभी खाना लिया है, खाना लेके चलते हैं रूम में, खाते हैं फटक से। टुमारो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे, एंड रात को खावा के सो गए थे, इतना थक गए थे, क्या खाया क्या सोया कब मालूम ही नहीं पड़ा। और आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बट नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, अभी मैं स्टार्ट करूँगा दूसरा वीडियो। तो आज हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं आपको आइटिनरी बताऊँगा और वो जगह भी दिखाऊँगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग आयुष जोशी, पीस आउट। कैमरा से दिखाते हैं।